सब लोग कंफ्यूज में रहते हैं जब वो अपना घर बनाते हैं कि हमें घर में कौन सी सीमेंट लगानी चाहिए। मार्केट में अल्ट्राटेक, नुवोको, निर्मैक्स, श्री की सीमेंट, काफ़ी सारी सीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कौन सी सीमेंट हमें लगानी चाहिए जिससे हमारा घर मजबूत बनेगा, और कौन सी सीमेंट हमें वाजिब दाम पे मिलेगी। तो कंपनी वाइज देखा जाए तो क्या सीमेंट के ऊपर उसका कोई फ़र्क पड़ता है? तो देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंपनी की सीमेंट काम में लेते हैं, या फिर कोई कंपनी की सीमेंट आप लगा देते हो तो आपका घर कमज़ोर पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ता है तो केवल सीमेंट से, ना कि सीमेंट की कंपनी से। कि कंपनी से फ़र्क नहीं पड़ता तो आखिर फ़र्क कैसे पड़ता है सीमेंट के अंदर, और ऐसा क्या होता है सीमेंट के अंदर कि हमें कोई कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी छत भरते टाइम, या टाइल्स लगाते टाइम, या फ्लोरिंग में अपनी मार्बल चिपकाने के टाइम कौन सी सीमेंट आपको काम में लेनी चाहिए, और आपकी आपके घर के लिए सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आसान भाषा में समझे तो हमेशा दो टाइप के सीमेंट मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। एक होता है ओपीसी सीमेंट, जिसके अंदर ग्रेड होते हैं, आपने सुना भी होगा 53 ग्रेड, 43 ग्रेड या फिर 33 ग्रेड के सीमेंट। और दूसरा होता है पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट भी मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है, और आपने इसका नाम पहले से सुन रखा होगा। तो सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट चूना है, और चूने के साथ में सिलिका, यानी कि रेत के कुछ टाइप्स आते हैं सिलिका के अंदर। सिलिका, जिप्सम, इन दोनों को मिला के सीमेंट का पूरा प्रोसेस बनता है। तो जब सीमेंट बनती है तब जिप्सम का, जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी ठस जाता है और वो हीट भी जल्दी देता है। तो अगर सीमेंट चूना और सिलिका और कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट से बनी है तो वो ओपीसी कहलाती है। और यही जो ओपीसी सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट के अंदर अगर हम राख मिला देते हैं, यानी कि जो कोयले की बची हुई राख होती है, अगर इस ओपीसी सीमेंट के अंदर मिला दें तो वो सीमेंट बन जाती है पीपीसी। यानी कि पीपीसी सीमेंट ओपीसी का ही एक टाइप है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये ओपीसी सीमेंट है जिसको थोड़ा इम्प्रूव करके हमने मार्केट में उतारा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं ग्रेड की, यानी कि ओपीसी के अंदर अलग अलग ग्रेड अवेलेबल रहते हैं, 53 ग्रेड, 43 ग्रेड और 33 ग्रेड। ये चीज़ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर सीमेंट का एक हम छोटा क्यूब लें और उसको लैब के अंदर टेस्ट करवाएं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि उसके ऊपर जब हम प्रेशर देते हैं, या से हम जब कभी मकान बनाते हैं तब हम उसके ऊपर प्रेशर देते हैं, हम अपना पाँव रखते हैं, तो वो प्रेशर कहलाता है। तो अगर हम एक छोटा सा सीमेंट का क्यूब लें और उसको प्रेशर दें तो उसका जो स्ट्रेंथ रहता है वो सबसे ज़्यादा ओपीसी के अंदर आता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है 53 पास्कल का, जो कि 53 ग्रेड कहलाता है। फिर जो 53 पास्कल का अपने को जोर देता है, या फिर उसके अंदर जो स्ट्रेंथ 53 पास्कल की मिलती है, उसको हम 53 ग्रेड बोलते हैं। और जिसके अंदर 43 की मिलती है उसको 43 ग्रेड बोलते हैं। और जिसके अंदर 33 पास्कल का हमें स्ट्रेंथ मिलता है सेटलिंग के बाद, उसको बोलते हैं हम 33 ग्रेड। तो यानी कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग सीमेंट है वो है 53 ग्रेड, उसके बाद 43 ग्रेड, उसके बाद 33 ग्रेड, और उसके बाद आता है पीपीसी। तो क्या इस हिसाब से हमें पीपीसी सीमेंट बिल्कुल काम में नहीं लेना चाहिए, और मार्केट में अगर वो उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है तो उसको क्यों मार्केट में रखा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 53 ग्रेड सीमेंट है, यानी कि वो कम टाइम में इतनी 53 पास्कल की आपको स्ट्रेंथ देगा, और कंपेरेटिवली पीपीसी जो पीपीसी सीमेंट है वो आपको टाइम के साथ वही की वही स्ट्रेंथ देगा। यानी कि 53 ग्रेड की सीमेंट अगर आप 7 दिन में हमें जो 53 पास्कल की स्ट्रेंथ देती है, वही हमें अगर पीपीसी सीमेंट काम में लेके लेनी है तो उसको सेटलिंग टाइम, यानी कि वो सूखने के बाद 28 दिन बाद वो स्ट्रेंथ देगा। जो 53 ग्रेड है वो 7 दिन बाद हमें स्ट्रेंथ देता है, और पीपीसी सीमेंट जो है 28 दिन बाद स्ट्रेंथ देता है। तो इस हिसाब से 53 ग्रेड के अंदर हम अगर 7 दिन बाद भी छत के अंदर तराई करना, यानी कि जो पानी हम डालते हैं सीमेंट को पकने के लिए, तो वो 7 दिन के अंदर पक जाएगा और 53 ग्रेड हमें उस छत की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देगा। और अगर हम पीपीसी सीमेंट काम में लेते हैं तो हमें 28 दिन तक उस सीमेंट को पकाना पड़ेगा, और उस 28 दिन तक हमें उसका सेटल होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो और 43 ग्रेड को हमें करने में 14 दिन लगते हैं, और वहीं 33 ग्रेड को करने में हमें 21 दिन का टाइम लगता है। तो जो सबसे पहले कंपनीज ने लॉन्च किया था, यानी कि नेशनल ब्रांड जो लॉन्च हुए थे, वो ओपीसी सीमेंट ही बनाते थे, जो कि 53 और 43 ग्रेड के अंदर मिलता था। जब हमें सीमेंट नई नई आई थी तब जल्दी से स्ट्रेंथ मिल जाती थी और बहुत ही अच्छा काम हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा और लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, उस हिसाब से इसमें चेंजेस हुए। तो जो 53 ग्रेड है उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा है, उत्तर कॉस्टिंग तक पहुंचने में, यानी इसकी कॉस्टिंग थोड़ी रिड्यूस करने के लिए हमने एक पीपीसी का अल्टरनेट निकाला। जो पीपीसी सीमेंट है वो ओपीसी का अल्टरनेट है, तो उसके अंदर हमने राख मिलाई, साथ में सेटलिंग टाइम को हमने बढ़ा दिया। तो जो स्ट्रेंथ और सेटलिंग टाइम, यानी टाइम और स्ट्रेंथ का हमेशा रेशियो बना रहता है। तो जो टाइम हमें लग रहा था पहले 7 दिन का, वही हमें 28 दिन का लगेगा। तो इससे हमारी कॉस्ट
35% तक कम हो जाती है, यानी कि 33-53 ग्रेड अगर हमें मिल रहा है 400 रुपए का अगर मार्केट में, तो वहीं हमें पीपीसी सीमेंट मिलेगा 300 रुपए का, यानी 75% कॉस्ट पे ही हमें वो आइटम मिल जाता है। 25% तक हमें मार्केट के अंदर कॉस्ट मिल कम हो जाती है। तो ओपीसी सीमेंट जो है वो महंगा है और पीपीसी सीमेंट जो है सस्ता है। ओपीसी सीमेंट जो है कि वो जिसकी स्ट्रेंथ जल्दी से मिलती है और पीपीसी सीमेंट की स्ट्रेंथ हमें थोड़ी लेट मिलती है। 53 ग्रेड जो सीमेंट आते हैं या फिर ग्रेड सीमेंट जो आते हैं उसके अंदर तराई यानी कि उसको पकाने के लिए हमें कम टाइम लगता है और पीपीसी सीमेंट को पकाने के लिए हमें कम से कम 28 दिन का टाइम लगता है, कि जो कि ज्यादा है। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन करवाना है, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं जो जल्दी से जल्दी बनने होते हैं, तब हमें वहां पे ओपीसी या फिर 53 ग्रेड का सीमेंट काम में लेना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है। छत भरने के लिए 53 ग्रेड का सीमेंट सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप अपने घर पे भी लगाएं तो 53 ग्रेड लगाएं, तो जो कि सबसे बेस्ट प्रेफरेबली रहता है। और पीपीसी सीमेंट तब आप काम में लें जब आपको टाइल का वर्क या प्लास्टर का काम करवाना है। इसके अंदर टाइम लगता है, यानी कि आज सुबह अगर मसाला बनाते हैं और प्लास्टर करते हैं तो उसके अंदर पूरे दिन का टाइम निकल जाता है, काफी टाइम, 2-3 घंटे तक वो प्लास्टर नहीं हो पाता है। तब तक वो पीपीसी सीमेंट सूखता नहीं है और हमें वो अच्छे से फिनिशिंग देता है। तो अगर आप छत का काम करवा रहे हैं तो आपको 53 ग्रेड सीमेंट काम में लेना चाहिए, और अगर आप प्लास्टर और टाइलिंग का काम करवा रहे हैं तो वहां पीपीसी काम में ले सकते हैं। टाइल्स और मार्बल का अगर काम है तो वहां पीपीसी काम में ले। जो दीवार पे अगर आपको टाइल चिपकानी है तो वहां पे आप 53 ग्रेड का मिक्सचर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है व्हाइट सीमेंट, जो ये ब्लैक कलर का सीमेंट आता है वैसा का वैसा एक सीमेंट आता है व्हाइट सीमेंट, जो कि पीपीसी के बराबर स्ट्रेंथ देता है। आप व्हाइट सीमेंट भी वॉल टाइल के अंदर काम में ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आपको घर में कौन सा सीमेंट काम में लेना है। फिर भी अगर आप मेरे को ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए आप कहेंगे कि आपको कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप नेशनल ब्रांड के साथ जाएं, जो कि नेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो ये क्या, जब सब लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और जो स्टेट वाइज मेंटेन होता है वो अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो आप नेशनलाइज ब्रांड लें जो कि बहुत अच्छा रहता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।